हेलो कृष्ण भाइयों, फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बैंगन का, जैसे फल छेदक, तना छेदक के लिए कौन सा बेस्ट कीटनाशक है इसका बारे में, इसका डोज कितना फसल में स्प्रे करना है, कौन सा कंपनी का है, इसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना है, रिजल्ट कितना दिन का अंदर मिलता है, लगभग ए टू जेड बात करेंगे बैंगन का फल छेदक को तना छेदक कीटनाशक के बारे में, जो बेस्ट क्वालिटी है क्या है इसका बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कृष्ण भाई, बैंगन का जो बेस्ट क्वालिटी कीटनाशक है फल छेदक और तना छेदक इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए, अब इसका बारे में बात करेंगे। जैसे ग्रीस कंपनी का जो बायो केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सिग्नेचर गोल्ड है, जो बैंगन के लिए बेहतरीन काम करते हैं इंसेक्ट नियंत्रण करने के लिए, जैसे फ्रूट बोरर एंड शूट बोरर जो इंसेक्ट आता है फसलों में बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा कोई भी खेती बाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भिंडी का फसलों में, लौकी का फसलों में, टमाटर का फसलों में, मिर्च का फसलों में, जैसे आपका सब्जी वर्गीय फसलों में, फलों में, फूलों में, जैसे क्या होता है फ्रूट एंड शूट बोरर जो इंसेक्ट आता है, जैसे फल छेदक और तना छेदक इंसेक्ट के लिए बेस्ट कीटनाशक है सिग्नेचर गोल्ड, जो ग्रीस बायो जो एक बायो पेस्टिसाइड है, बेहतरीन काम भी करता है फसलों का जो इंसेक्ट नियंत्रण करने के लिए फल छेदक और तना छेदक। कृष्ण बायो सिग्नेचर गोल्ड जो कीटनाशक है, स्कब जो एक बायो कंपनी का कीटनाशक है, जो बेहतरीन रिजल्ट भी मिलता है फसलों का फल छेदक और तना छेदक इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए, आई बात करेंगे इसका डोज कितना फसलों में स्प्रे करना है इसके बारे में। जैसे 50 ग्राम का जो पैकेट आता है, इसका डोज लगभग 50 लीटर पानियों में घुलकर स्प्रे कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट भी मिलता है। जो बायो पेस्टिसाइड का दूसरा कोई जो केमिकल इंसेक्ट के साथ एक साथ मिक्स करके स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। आप कोई भी दूसरा कंपनी का जो बायो पेस्टिसाइड है एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कोई केमिकल कीटनाशक एक साथ मिक्स करके, फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके स्प्रे नहीं करना, और ज़्यादातर आप धूप में क्या करना है स्प्रे नहीं करना है, आप जैसे धूप का बाद जैसे शाम का पहले आप स्प्रे करना है, धूप में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। जो बायो का जो सिग्नेचर गोल्ड कीटनाशक है, धूप का बाद ही स्प्रे करना है, बेहतरीन रिजल्ट भी मिलता है फल छेदक तना छेदक इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए, बैंगन में ज़्यादातर काम करता है, लेकिन दूसरा कोई भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिग्नेचर गोल्ड जो कीटनाशक है, जो एक बायो कंपनी का कीटनाशक है, लेकिन पहला स्प्रे करने के बाद आपका फसलों में, जैसे बैंगन का फसलों में, कोई भी फसलों में, जैसे फल छेदक तना छेदक इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग आप 10-12 डेज का अंदर आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पहला स्प्रे करने के बाद उसका रिजल्ट लगभग आप 10 डेज का अंदर उसका रिजल्ट भी मिल जाता है, क्या अच्छा रिजल्ट मिला क्या नहीं मिला, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 10 डेज का अंदर, जो फल छेदक और तना छेदक इंसेक्ट आता है आपका खेती बाड़ी में उसको नियंत्रण करने के लिए। सिग्नेचर गोल्ड जो कीटनाशक है बायो कंपनी का, जो एक दानादार कीटनाशक है, जैसे दानादार प्रोडक्ट रहता है इसमें, उसका पानियों में घुलनशील प्रोडक्ट है, थोड़ा समय पानियों में रखने के बाद ही इसका जो घुलकर जो कीटनाशक है बायो का स्प्रे करना है, क्योंकि इसका दानादार प्रोडक्ट पानियों में मिनिमम 5 मिनट रखने के बाद स्प्रे करना है। पानियों में घुलने के बाद आप कोई भी सब्जियों में, फलों में स्प्रे कर सकते हैं फल छेदक तना छेदक इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस कृष्ण भाई, इस वीडियो में बात किया था जो बायो कंपनी का जो सिग्नेचर गोल्ड कीटनाशक है इसके बारे में, इसका डोज कितना फसलों में स्प्रे करना है, कौन सा फसलों में अच्छा काम करता है, कौन सा इंसेक्ट को नियंत्रण करता है, लगभग ए टू जेड इस वीडियो में बात किया था जो सिग्नेचर गोल्ड के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और दूसरा कोई भी टॉपिक में आप वीडियो चाहता है तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, आपका कौन सा कीटनाशक के बारे में जानकारी चाहिए इसके बारे में आपको वीडियो में कमेंट भी कर सकता है।